मारवा जैसी हाई क्वालिटी वीडियो जो आप लोग रील्स पर देखते हो वो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो आज ये बताने वाला हूँ। पर उससे पहले कुछ बातें हैं मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात, जो आप लोग रील्स पर वीडियोस देखते हो हाई क्वालिटी 4K वाली एकदम स्मूथ, वो मैक्सिमम लोग टोपाज इनेंस AI सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट करते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए होता है। और दूसरी बात, वो लोग लो क्वालिटी वीडियोस को हाई क्वालिटी में एडिट नहीं करते हैं, वो सबसे पहले हाई क्वालिटी वाली वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, फिर वो 4K हो या 1080p वाली हो, उसके बाद और उस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं और कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसलिए वो वीडियो इतनी हाई क्वालिटी और स्मूथ में दिखती है। अब आप लोग बोलेंगे कि मोबाइल वाले क्या करें, इसलिए तो आज मैं ये वीडियो बनाया हूं। और आज मैं आप लोगों को जो ऐप बताने वाला हूं उस ऐप की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो फिर चलिए। हाँ, तो जिस ऐप की सबसे ज्यादा डिमांड है वो ऐप है विंक ऐप। आप लोग जानते होंगे इस ऐप को। अब इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कैपकट भी चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अगर आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना नहीं आ रहा तो उसी के नीचे हाउ टू डाउनलोड वाली वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, वो एक बार देख लेना तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो चलो इस ऐप को हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा इमेज क्वालिटी, आपको उसी पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक है HD वाला और एक है अल्ट्रा HD वाला और एक है पोर्ट्रेट वाला। अब देखो यहाँ पे नहीं क्या आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पहले वो सुन लो। तो मैक्सिमम लोग तो अल्ट्रा HD पे ही करते क्योंकि ये फ्री है, जो VIP वाला है पोर्ट्रेट वाला वो नहीं करते क्योंकि ये VIP वाला है। बट मैं आप लोग को जो दूंगा आप लोग ये भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना, समझने वाले समझ गए होंगे। पर अगर आप लोग इसमें VIP वर्क नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत हो रही तो अल्ट्रा HD में भी कर सकते हो, काफी हद तक अच्छा आपको एडिट करके मिल जाता है, पर उससे थोड़ा अच्छा ये पोर्ट्रेट वाला भी करके देता है, इसलिए उन्होंने VIP में इसको ऐड करके रखे है। और सेकंड बात ये है कि भाई इस ऐप पे बहुत लोग आते हैं तो काफी ट्रैफिक हाई होता है, कभी कभी आप लोगों को ये पॉपअप भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, चलो देखते हैं। तो आप लोगों को अल्ट्रा HD या तो पोर्ट्रेट वाला आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं पोर्ट्रेट वाला सिलेक्ट करूंगा और ट्राई नाउ पे क्लिक करूंगा और ये अलाउ कर दूंगा और मैं अपनी एक वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे कि मेरी एक वीडियो है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया हूँ और ये रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये रिपेयरिंग हो रहा है हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे ये लगभग होने पे आ गया और ये फाइनली हो चुका है। और आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ कि भाई बिफोर और आफ्टर दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये बिफोर है और भाई कितना फर्क आ जाएगा आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। देखो ये आप लोग देख रहे हैं ये बिफोर है और ये मैं साइड में करता हूँ, ये है आफ्टर। आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। तो भाई सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की ऐप है और पोर्ट्रेट वाला यूज़ करो तो भाई और भी ज़्यादा बढ़िया है। और आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है, जो फेस है जो ब्लरी ब्लरी टाइप का जो दिख रहा था, आप लोग दिखा देता हूँ जूम करके, कितना ब्लर टाइप का दिख रहा है देख सकते हो आप लोग। और अभी देखो भाई कितना क्लीन हो गया है पूरा फेस, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है ना। आप लोग खुद देखो यार, कंपेयर करके खुद दिखा रहा हूँ मैं, कितना बढ़िया लग रहा है भाई साहब। पूरी वीडियो इतनी बढ़िया तरीके से इनहेंस करके मिल गई है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत बढ़िया तगड़ी क्वालिटी आ रही है वीडियो में। तो अब देखो अगर आप लोगों को चाहते हो कि भाई और थोड़ी सी इनहेंस हो जाए इसकी क्वालिटी, तो आप लोग यहाँ पे इनेबल इंटेंसिटी जो दिख रहा है ना आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये भाई थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको पूरा 100% होने देना है, उसके बाद आप लोग इसकी क्वालिटी और थोड़ी बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये हो चुका है और आप लोग जैसे कि देख सकते हो, और नीचे में आप लोग जैसे देख सकते हो डिग्रे जो दिख रहा है, आप लोग यहाँ से कम अगर करोगे तो आपकी जो वीडियो जो ओरिजिनल थी जो मैं फटाफटा जो दिख रहा था ना, क्वालिटी जो अच्छी से नहीं दिख रही, धुंधला धुंधला दिख रहा था, वो हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको बढ़ाओगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया स्मूथ और क्लीन हो जाएंगी। तो ये बाय डिफॉल्ट 80% पे होता है, आप लोग 100 भी कर सकते हो, मतलब 20% आप लोग और बढ़ा सकते हो। बस ये हो जाने के बाद सिंपल हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारी ये वीडियो सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हमें क्या करना है, इसको कैपकट ऐप में ले जाके थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह भी करना है और दो तीन चीजें करना है, वो आपको मैं बताता हूँ वीडियो के आगे में। अब देखो हम लोगों ने वीडियो को तो इनहेंस कर ली, अब थोड़ा सा उसमें कलर करेक्शन कर लेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो आप लोगों को कैपकट ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूं। पर उससे पहले आप लोगों को VPN कनेक्ट कर लेना है, मैंने कनेक्ट करके रखा, तो इसको ओपन करता हूं मैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को जो वीडियो हम लोगों ने इनहेंस किए जो सेव किए वो ले लेना है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो है हमने जो इनहेंस किए थे। अब इसको मैं क्या करूंगा, आप लोगों को वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड करना है और एडजस्ट में जाना है। अब एडजस्ट में जाने के बाद आप लोगों अगर आपकी वीडियो में थोड़ा कलर करेक्शन करना हो तो आप लोग कर सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ रही है, इसलिए तो मैं कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, कम ज़्यादा कर लेता हूं।
भाई शार्पनेस है ना, मैं इसको 50% कर दूंगा क्योंकि मुझे उतनी ही जरूरत है। उसके बाद बस, उसके बाद आप लोगों को बाजू में फिल्टर का ऑप्शन दिखेंगे, उस पर आप लोगों को जाना है और आप लोगों को यहाँ पे नाइट सीन्स में जाने का है और आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले फिल्टर पे क्लिक करना है और ये 70-80% पे होगा। आप लोगों को इसको ओनली 50% पे करना है। अब देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ, इसमें जो कलर करेक्शन वगैरह फिल्टर लगा रहा हूँ या अपनी वीडियो के हिसाब से लगा रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो वीडियो है उसमें कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग जो है वो अलग हो, तो जरूरी है कि यही वाला आप लोगों के इसमें मैच करेगा, सूट करेगा और अच्छा लगेगा। हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों की वीडियो में बहुत ही ज्यादा बेकार लग सकता है या अच्छा भी लग सकता है, पर मैं यही कहूंगा कि आपके वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कलर करेक्शन करना है और ये फिल्टर अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पर ज्यादा कुछ मत करना, नहीं तो भाई वीडियो की क्वालिटी और लो हो सकती है, ठीक है। बस इतना मैं आप लोगों को कर देना है और राइट क्लिक कर देना है। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये बिफोर था, ठीक है, हमारी जो वीडियो थी ये बिफोर थी और ये देखो आफ्टर, सिर्फ हमने एक फिल्टर लगा और थोड़ा सा कलर करेक्शन किया और कुछ नहीं, देख सकते हो आप लोग, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। ये दिखा देता हूँ, देखो ये और थोड़ा सा कलर करेक्शन और फिल्टर लगा हमने, कुछ बढ़िया लग रहा है। अब देखो पूरी वीडियो एडिट हो जाने के बाद आपको एक लास्ट स्टेप करना है जो है रोटेट। अब क्या करना है आप लोगों को, ये नीचे में आप लोगों को देखो रेशो का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 1960 वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ये रील्स का साइज रहेगा, ठीक है, और राइट क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एडिट पे जाना है और इसको रोटेट कर लेना है। अब हमने ये क्यों किया, आप लोगों ने देखे होंगे रील्स पे ऐसे ही टाइप की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते हैं पूरा फुल स्क्रीन पे, और जैसे कि आप लोग अभी जो देख रहे हो ये ऐसे ही वीडियो हमें रील्स पर देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ नहीं आती और काफी बड़ी स्क्रीन में काफी बढ़िया क्वालिटी दिखती है वीडियो, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, है ना। और उसके बाद बस सिंपल आप लोगों को क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p 30fps में कर लेना है आप लोगों को, और ये कोड रेट जो है इसको आप लोगों को हाई कर देना है और सिंपल एक्सपोर्ट कर देना है। बस आपकी वीडियो जो है फाइनली एडिट हो गई है, अब आप लोग रील्स पर वीडियोस डाल सकते हो। तो देखो अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टोपाज इनेस AI सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यूटोरियल लाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें। तो ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो उसी के नीचे हाउ टू डाउनलोड वाली वीडियो है वो जरूर देख लेना। और अगर आप लोग AI की मदद से अपनी वॉइस चेंज करना चाहते हो किसी भी सेलिब्रिटी की तरह तो मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम की है। सो लेके आते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।